नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे स्टेप 5 के एक्सरसाइज। 25 के जितने सारे मैथ्स प्रॉब्लम हैं उनको बारी बारी से सेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला 1 और 2 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, इसलिए उसको नहीं बना पाए रहे हैं, और 3 नंबर से बनाना शुरू करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए रोप इज़ 5 इंटू 2 बाई 3 मीटर लॉन्ग, यानी एक रस्सी की लंबाई दिया हुआ है। इट इज़ कट इंटू 2 पीसेज, दो भाग में उसको काटा जा रहा है। कह रहा है द लेंथ ऑफ वन पीस इज 2 इंटू 1 बाई 2 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पीस, दूसरे पीस की लंबाई। जैसे मान लीजिए ये रस्सी है, सपोज करिए इस रस्सी की टोटल लेंथ दिया है 5 इंटू 2 बाई 3 मीटर, और इसको कह रहा है दो भाग में बांटा गया, जिसमें एक भाग की लंबाई दिया है 2 इंटू 1 बाई 4 मीटर। तो पूछ रहा है अदर की लंबाई क्या होगी, तो द लेंथ ऑफ अदर पार्ट। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से, तो टोटल है 5 इंटीजर 2 बाई 3 मीटर, इसमें से हम घटा लेंगे कितना, 2 इंटीजर 1 बाई 4 मीटर। तो हम आसानी से अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ये 5 है और 2 है, तो 5 से 2 गया तो 3 बचा, और इधर हमको मिल जाएगा 2 बाई 3, और इससे घटाना है 1 बाई 4, ये मीटर जो कितने रहेगा। यानी फिर से अगर इसको हम देखते हैं तो ये 3 हो गया, और इसका एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया, तो ये हो गया 4 2 8, और ये माइनस हो गया 3, यानी ये क्या मिला 3, और इधर से हो गया कितना 5 बाई 12, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटीजर 5 बाई 12 मीटर, और ये आपका आंसर हो गया। चल रहे हैं ये, अब चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं। प्रश्न लिखा हुआ है ए मिल्कमैन हैज़ 20 लीटर ऑफ मिल्क, ही सेल्स 15 इंटीजर 3 बाई 5 लीटर ऑफ मिल्क, व्हाट क्वान्टिटी ऑफ मिल्क इज लेफ्ट टू बी सोल्ड। यानी एक वाला है जिसके पास 20 लीटर दूध है, और वो बेच दिया है कितना 15 इंटीजर 3 बाई 5 लीटर दूध। अब कह रहे व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी कितना उसके पास बचा हुआ है। तो वाला के पास जो मिल्क है वो 20 लीटर है, जिसमें से वो सोल्ड कर दिया, यानी हम घटा देंगे 15 इंटीजर 3 बाई 5 लीटर मिल्क, तो हमको क्या मिल जाएगा। यहाँ अगर इसकी एलसीएम की बात करें तो एक बार इसको अगर हम चेंज कर ले रहे हैं, तो 20 माइनस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 78 बाई 5। अगर इसको ब्रैकेट में हम कर लें, लीटर कर लें, तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना 5, तो 25 100, और माइनस हो जाएगा 78, ये ब्रैकेट में रहेगा, लीटर ज्यों कहते रहेगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलेगा कितना 22 बाई 5, चूँकि 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 9 में से 7 गया 2, यानी इतना लीटर मिल्क बचा। इसको इंटीजर में अगर हम चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 4 20 2 बाई 5 लीटर, और इस तरह से ये आंसर हो गया कि मिल्क मैन को अब बेचने के लिए बचा है 4 इंटीजर 2 बाई 5 लीटर। अब हम लोग 5 नंबर देख रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज 14 इंटीजर 1 बाई 2, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 3 इंटीजर 1 बाई 4 kg ऑफ शुगर। यानी 1 kg शुगर का दाम जो है वो दिया है 14 इंटीजर 1 बाई 2, तो अब पूछ रहा है आपसे 3 इंटीजर 1 बाई 4 kg का कॉस्ट, यानी हम क्या करेंगे 14 इंटीजर 1 बाई 2 और इंटू 3 इंटीजर 1 बाई 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 14 2 28 129 बाई 2, और इंटू हो जाएगा 3 2 4 और 1 4 3 12 13 बाई 4, इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये बनेगा 377, और ये बन जाएगा a, और इस तरह से इसे अगर हम डिवाइड देना शुरू करें तो 8 का टेबल हम कितने बार पढ़ सकते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करें इसको, तो ये आंसर यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये हो जाएगा 4 टाइम में जाएगा 8 4 32, और ये कितना बचाएगा 37 है, 32 5 बचा 8 7 56, यानी 7.125 आएगा, जिसका आप करेक्ट आंसर लिख सकते हैं 47.13, और इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ 5 इंटीजर 1 बाई 9 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 92 रुपीज़, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। यानी जब 5 इंटीजर 1 बाई 9 लीटर पेट्रोल का जब दाम है 92 रुपीज़, तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा, यानी हम क्या करेंगे 92 डिवाइडेड 5 इंटीजर 1 बाई 9, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 92 डिवाइडेड ये हो जाएगा 9 5 45, 146 बाई 9, यानी इसको हम लिख सकते हैं 92 इंटू 9 बाई 46। यहाँ करेंगे 6 2 12 का 2 कैरी 1, 4 2 8 1 9, यानी ये 2 बार में खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ आपको 9 2 18 रुपीज़ हो जाएगा। ये अब आप लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज 18 रुपीज़।
अभी हम 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन नंबर्स इज 7 इंटीजर 1/3, वन ऑफ देम 5, वन इंटीजर 5/6, फाइंड द अदर नंबर। यानी कोई दो फ्रैक्शन है, सपोज करिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट आया हमको 7 इंटीजर 1/3। इसमें से कह रहा है कि एक नंबर, मान लीजिए कोई यहाँ या यहाँ, कोई एक नंबर है वन इंटीजर 5/6, तो ये दूसरा क्या है, तो दूसरा सपोज करिए हम एक्स मान लिए, तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इधर है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर क्या हो जाएगा 7 इंटीजर 1/3 और डिवाइडेड 1 इंटीजर 5/6। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 7 3 21 22/3 और डिवाइडेड ये हो जाएगा 6 1 6 5 11/6। पुनः इसको सॉल्व करेंगे तो 22/3 और इंटू हो जाएगा 6/11, 11 से कटेगा ये 2 बार में, ये कटेगा 2 बार में, यानी ये हो जाएगा 4। यानी लिखेंगे अदर फ्रैक्शन इज 4, और ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए मैन सोल्ड 1/2 ऑफ हिज लैंड। एक आदमी है जिसके पास कुछ जमीन है जिसका 1/2% क्या कर रहा है, सोल्ड कर दे रहा है, बेच दे रहा है। कह रहा है ही गेव 1/2 ऑफ हिज रिमेनिंग पोर्सन टू हिज सन, यानी उसके 1/2 बेचने से जितना बचता है उसका 1/2 दे रहा है अपने बेटे को, और एंड 1/3 ऑफ द बैलेंस टू हिज डाउटर, और जितना बेटा को देने से बच रहा है उसका 1/3 पोर्शन पुनः बेटी को दे रहा है। अब पूछ ये रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज लैंड इज लेफ्ट विथ हिम, अब उसके पास कितना बचा हुआ है। तो लेट मैन हैड लैंड, पहले हम मान सकते हैं कि आदमी के पास कितना है, तो मान लीजिए 1 है, तो अपने बेटे को वो जो सोल्ड किया, बेटे को नहीं ऐसे सोल्ड किया, तो सोल्ड किया तो 1 का 1/2 सोल्ड किया, यानी क्या 1/2 सोल्ड किया, तो रिमेनिंग उसके पास कितना बचा, तो 1 - 1/2, यानी कोई भी वस्तु हो जिसका आधा बेच दे तो हमेशा रिमेनिंग 1/2 आएगा, यानी आधा ही बचेगा। अगेन जो व्यक्ति है वो किसको दे रहा है, अपने सन को दे रहा है, सन को फिर दे रहा है कितना 1/2 का 1/2 दे रहा है, यानी बेटा को दे कितना दिया 1/4, तो फिर रिमेनिंग उसके पास बचता कितना है, तो पहले था उसके पास 1/2 और बेटा को दे दिया 1/4, यानी उसके पास बचा कितना, ये हो गया 4, तो ये हो गया 4 हो गया, तो 2 2 जा 4, यानी 2 - 1, यानी 1/4 बचा रिमेनिंग। अब 1/4 बचा है फिर वो किसको दे रहा है, डाउटर को दे रहा है, फिर तो 1/4 उसके पास है जिसका पुनः दे रहा है कितना 1/3, यानी बेटी को दे कितना दिया 1/12। अब 1/12 किसको दे दिया, डाउटर को, तो पुनः रिमेनिंग उसके पास कितना बचा, था जमीन उसके पास 1/4 - 1/12, यानी कितना हो गया, ये हो गया एलसीएम इसका 12, तो 4 3 जा 12 3 - 1, यानी हो गया 2/12, यानी उस व्यक्ति के पास बचा है कितना 1/6 पोर्शन आंसर बचा है। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान समझिए, एक व्यक्ति है जिसके पास जमीन कुछ है जिसका 1/2% बेच दे रहा है 1/2, यानी किसी भी व्यक्ति के पास कुछ जमीन हो जिसका आधा बेचता है तो आधा उसके पास बचेगा, तो आधा उसके पास रिमेनिंग आया। अब पुनः क्या किया, जितना उसके पास बचा है उसका 1/2, यानी 1/2 का पुनः 1/2 अपने बेटे को दिया, तो बेटा को दे कितना दिया 1/4। अब 1/4 दे दिया बेटा को, तो फिर उसके पास बचा कितना, 1/2 रिमेनिंग था उसके पास जिसमें बेटा को दे दिया 1/4, तो उसके पास बचा कितना, पुनः 1/4 बचा, क्योंकि इस दोनों का एलसीएम होगा कितना 4। इस दोनों का एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम हो जाएगा 4, और ये 2 2 जा 4 2 और -1, यानी ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी ये हो गया 3/1/4। फिर बेच रहा है कितना 1/4 का 1/3 बेच रहा है, यानी बेच कितना दिया 1/12, और 1/12 जब बेच दिया दे दिया डाउटर को, तो फिर बचा कितना, तो 1/4 - 1/12, यानी उसके पास बचा कितना 2/12, और इस तरह से बचा उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ आप पढ़ सकते हैं, लिखा है कि द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज 2/3 ऑफ लेंथ ऑफ सी डी, यानी सी डी है, सी डी का ये 2/3 है ए बी। अब कह रहा था लेंथ ऑफ अनदर लाइन सेगमेंट ई एफ इज 2/3 ऑफ द लेंथ लाइन सेगमेंट ए बी, और ई एफ जो है वो 3/8 है किसका, ए बी के। अब कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ सी डी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ई एफ, कह रहा है इफ द सी डी ऑफ 4, आपको सी डी दे रखा है कितना 4 cm, सी डी दे रखा है। अब पूछ रहा है ए बी जो है वो क्या है, सी डी का 2/3 है, यानी सी डी कितना हो गया 4 दिया हुआ है, तब 4 का 2/3 जो होगा ये कितना हो जाएगा 8/3 हो गया, 8/3 cm हो गया ए बी का लंबाई। अब अगला जो दूसरा है वो है ई एफ, तो ई एफ जो है वो ए बी का कितना है 3/8 है, 3/8 है, यानी ए बी की लंबाई हमको कितना मिला है, ए बी की लंबाई मिला है 8/3, तो 8/3 का 3/8 हुआ, क्योंकि ए बी का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से हम,
निकल कर आया है 8/3, तो 8/3 में इसको पुट किए तो 8 से 8 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना, 1। अब पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सी डी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ई एफ, तो यानी इस फ्रैक्शन में करें तो 1/ कितना हो जाएगा, 4, चूँकि 1 सी डी का हो गया और सॉरी ई एफ का हो गया 1 और सी डी का हो गया कितना 4, यानी इस तरह से फ्रैक्शन क्या निकल कर रहा है 1/4, इस तरह से 4, और ई एफ का फ्रैक्शन, ई एफ का वैल्यू जो दिखा रहा है वो कितना है 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, किसी स्कूल में बच्चों की संख्या जो है वो 800 है। कह रहा है इफ 1/10 ऑफ द स्टूडेंट्स वी आर एबसेंट, यानी अनुपस्थित हैं, कह रहा है ऑन डे फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट वी आर प्रेजेंट ऑन द डे, फाइंड द ऑल्सो फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल दैट वॉज प्रेजेंट ऑन डे। तो टोटल जो स्टूडेंट हैं वो है कितना 800, अब कह रहे हैं 1/10 ऑफ द स्टूडेंट वी आर एबसेंट, तो 800 का 1/10 जो है वो क्या हो गया एबसेंट हो गया, यानी 80 एबसेंट हो गया, तो 80 एबसेंट हो गया तो प्रजेंट कितना हो गया, तो प्रजेंट हो गया कितना 800 और माइनस 80 यानी कितना ये हो गया 0 और ये 10 में से ये 2, ये 720 जो है क्या है प्रजेंट है, प्रजेंट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट शुड आज प्रजेंट, तो प्रजेंट का फ्रैक्शन बताना है कितना बचा है, तो 720 है बाई, चूँकि ये प्रजेंट हो गया और टोटल है कितना 800, तो ये देखिए 8 10 9 8 72 होता है ना, तो ये 0 0 अगर काटते हैं तो 8 10 80 और 8 9 72 यानी फ्रैक्शन आएगा 9/10, ये आपका आंसर हो गया। और एबसेंट पूछ रहा था, नंबर ऑफ प्रजेंट पूछ रहा है, तो प्रजेंट बच्चे कितने हैं 720 और दूसरा आंसर आएगा आपका 9/10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एन एग्जामिनेशन इज बीइंग हेल्ड इन टू पार्ट्स एंड देयर आर 572 एग्जामिनेज इन हॉल, कह रहा है 3/11, 3/11 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेज अपीयर इन पार्ट वन ओनली एंड 3/13 अपीयर्स इन पार्ट टू, कह रहा है द रेस्ट अपीयर्स इन बोथ, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन बोथ, यानी दोनों में कितना बैठे ये मुझे बताना है। तो पहले टोटल कैंडिडेट जो है वो हो गया 572, तो फर्स्ट हॉल में बैठे हैं या फर्स्ट सीटिंग में जो बैठे हैं वो इतने का 3/11 बैठे हैं, तो 11 पहले वाले में बैठे पहले कितना, तो 11 से काटते हैं तो ये हो गया 11 4 जा 44, 11 5 बार में कर लेते हैं 11 5 जा 55 और 11 2 जा 22, यानी इधर से हो गया तो 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, यानी 156 स्टूडेंट जो है ये फर्स्ट में बैठे पार्ट, फर्स्ट पार्ट में बैठे। अच्छा अब दूसरे पार्ट में, तो टोटल का 572 है जिसका कितना बैठे 3/13, अच्छा 13 से इस सेकंड पार्ट में बैठने वाले कैंडिडेट हैं, तो 13 से कर रहे हैं 13 4 जा 52, तो 52 घटाएंगे तो इधर से कितना बचेगा 52, तो बचाई 5, तो फिर हो गया 13 4 जा 52, यानी इधर से हो गया 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 3 जा 12 1 13, यानी 132 स्टूडेंट इधर से हो गए जो पार्ट टू में बचे। तो अब रेस्ट जो बचे वो किस में बचे, दोनों बचे, तो अब यहाँ भी आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग बोथ पार्ट, यानी बोथ पार्ट में कौन कौन कैंडिडेट बैठे, तो हम क्या करेंगे कैंडिडेट था 572 और माइनस कर देंगे 156 और प्लस 132, तो ये इस तरह से देखिए, तो 572 माइनस यहाँ हो जाएगा 6 और 2 8, 5 और 3 8 112, और इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 12 में से 8 गया 8 4 12, यहाँ बचा कितना 6, तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यानी इस तरह से टोटल स्टूडेंट जो हुए जो दोनों परीक्षाओं में थे इनकी संख्या हो गया 284। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर, यहाँ कह रहे हैं मैन हैज़ 2 बंडल ऑफ नोट, यानी 2 बंडल नोट है, फर्स्ट में जो है 480 है और दूसरे बंडल में 300 है, फर्स्ट वाले में है 480, दूसरे वाले बंडल में है 300 रुपीज़। अब कह रहे हैं ही गिव्स 1/4 ऑफ द फर्स्ट बंडल, फर्स्ट बंडल का कितना दे रहा है 1/4 और सेकंड बंडल का कितना दे रहा है 1/3, ठीक है 3 ऑफ द बंटी, यानी ये बंटी को मिल रहा है। और ही गिव्स फर्स्ट बंडल ऑफ, यानी फर्स्ट बंडल वही 480 का फिर 1/3 दे रहा है फर्स्ट बंडल से, सेकंड बंडल 300 का ही फिर कितना दे रहा है 1/5 दे रहा है, ये किसको मिल रहा है बीनी को मिल रहा है, दोनों नाम एक ही से है कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, बी से यहाँ बंटी है
यहाँ बी से बी नहीं है, तो यहाँ चार से करते हैं तो फोर वन जा फोर और फोर टू जा एट, यानी 120 रुपीज़ इधर से दिया और इधर इसको दिया कितना 100, यानी बिनी को मिल कितना गया 120 और इधर से 100, यानी 220 हो गया इसको बंटी को। अच्छा इसका देखते हैं तो ये 3 1 3 और 3 6 18, यानी 160 रुपये इधर से दिया फर्स्ट बंडल से, सेकंड बंडल से दिया 5 6 30 और 0, यानी 60 रुपीज़ इधर से दिया, तो 60 और 60 ये हो गया 0, 6 6 12 2 यानी 220, यानी बिनी को भी 220 मिला और बंटी को भी 220 मिला। इस तरह से किसी को ज़्यादा नहीं मिला, नो किसी को ज़्यादा नहीं मिला, नील दोनों का बराबर मिला पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कंचन स्पेंड 1/2 ऑफ हियर मनी वन शॉप, ही स्पेंड 1/3 ऑफ 3, व्हाट वाज लेफ्ट विद हर ऑन द रिक्शा ऑफ हेयर एट द एंड, सी हैज 20 रुपीज विद हर, हाउ मच डिड ही हैव इन द बिगनिंग, यानी शुरू में कितना था। कह रहा है कंचन जो है वो मान लीजिए लेट, कंचन जो है रुपीज लेके गई एक रुपया और खर्चा कर दी उसका, स्पेंड कर दी कितना 1 का 1/2, यानी कर दी क्या 1/2, तो रिमेनिंग जो पैसा बचेगा वो भी 1/2 बचेगा, चूंकि आपको पता है कि कोई भी धन आधा खर्चा कर देता हमेशा आधा ही बचता है। अब फिर इसका क्या कर दी है 1/2 रिमेनिंग बचा है, इसका 1/3 क्या कर दिया है रिक्शा फेयर में दे दिया, यानी दे कितना दी 1/6 दे दी, 1/6 रिक्शा फेयर में दे दी, तो अगेन उसको रिमेनिंग कितना बचा, पहले था 1/2 माइनस 1/6, यानी इस तरह से हुआ एलसीएम इसका 6, तो 2 3 जा 6 और 1, यानी हो गया कितना 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी हो गया कितना 1/3 ऑफ रिमेनिंग पर्सन, और रिमेनिंग फुल वैल्यू उसके पास कितना है 20 रुपया, तो शुरू में कितना था, तो बिगनिंग का निकालने के लिए यहाँ बिगनिंग अगर हम निकालते हैं तो 20 इधर है, इधर जाके ये कितना हो जाएगा पलट जाएगा इधर 3, यानी वो लेकर कितना गई थी 60 रुपया लेकर बाजार गई थी, ठीक है।